मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज 12 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन देश को एक महत्वपूर्ण कानून आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिला। इस कानून से न केवल सरकार के दस्तावेज और उनके कार्यप्रणाली आम जनता तक पहुंच सके बल्कि बड़े बड़े घोटाले भी इस आरटीआई एक्ट के तहत उजागर हो पाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैथल के जयपाल रसूलपुर जो एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उनसे जानेंगे कि आरटीआई एक्ट क्या है, कैसे आरटीआई लगाई जा सकती है, क्या इसके अंदर प्रावधान है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आरटीआई कैसे लगाएं और कौन लगा सकता है? सबसे पहले कैथल ब्रेकिंग टीवी के सभी दर्शकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 15वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं सभी से निवेदन करूंगा जितने भी कैथल ब्रेकिंग टीवी के जो दर्शक हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हों और सभी जो कार्यालय हैं उनमें एक एक आवेदन अपने पर्सनली काम के लिए, जनहित के लिए एक एक आवेदन जरूर करें। इसी संबंध में आज मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि जो सूचना का अधिकार है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करवाएँ। सर, आरटीआई कैसे लगानी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस विभाग में जाना है, कितनी फ़ीस है, कृपया प्रक्रिया बताएँ। जी, इसमें कोई ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर हमें किसी भी सरकारी विभाग की आरटीआई लगानी है तो हमें एक सादे कागज़ पे और 10 रुपये का आईपीओ जो पोस्ट लोडर डाकखाने से बड़ी इजीली मिल जाता है वहाँ से हम लेके एक वाइट पेज पे अपने जो भी क्वेरी है वो संबंधित विभाग को ऊपर उसका नाम लिख के कार्यालय का डेजिग्नेशन जो अधिकारी की हो, अदरवाइज आप स्टेट इन्फॉर्मेशन जो भी उसका अधिकारी उसको लिख के जो भी अपने क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये पूछना है कि मेरे घर से लेके और फलाना के घर तक जो गली बनी है उस पे कितना खर्चा आया है, वो सारी क्वेरी उस आरटीआई एक्ट में हम आरटीआई एप्लीकेशन में लिख के वो फाइल कर सकते हैं। ये है इसका एक ऑफलाइन तरीका। ऐसे ही अब डिजिटल इंडिया है, आज का जमाना नेट का जमाना है, सभी पे फोन है, तो हम इसे ऑनलाइन तरीके से भी लगा सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से। उसमें करना क्या होता है, उसमें जो ई ग्रास पोर्टल है जहां सभी विभागों का एक हेड बना हुआ है उसमें हम अपने उसकी संबंधित विभाग की 10 रुपये की फीस कटवा देते हैं और मेल के जरिए हम किसी भी विभाग से, क्योंकि आईटी एक्ट में ये प्रावधान है सेक्शन 4 में कि जो सूचना आप डॉक्यूमेंट्री रूप में या प्रसारित करना चाहते हैं वही आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर उनको भेजेंगे तो उतनी ही वैल्यू है। इसलिए आप मेल के थ्रू भी आप किसी विभाग में आरटीआई आवेदन लगा सकते हैं, उसका भी शुल्क 10 रुपये है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए, मैनुअल और जो है आपका क्या नाम है ऑनलाइन। इसमें क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन लगाओगे उसमें आपका 25 रुपये का जो भी रजिस्ट्री खर्चा बच जाएगा, आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आप वो सूचना इंटरनेट के माध्यम से, आपके फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। जी सर, अगर निर्धारित दिनों में, कितने दिन निर्धारित हैं सूचना मिलने के इस आरटीआई आवेदन के, और यदि निर्धारित सूचना निर्धारित दिनों में नहीं मिलती है या अधूरी सूचना मिलती है तो इसके लिए आवेदक फिर क्या करे, अगला प्रोसेस क्या है? जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की जो धारा 6 में है, 6(1) के तहत हम आवेदन करते हैं, जिसमें एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य जनसूचना अधिकारी या केंद्रीय जनसूचना अधिकारी आवेदन की तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाएगा। अगर वो उपलब्ध नहीं करवाता या उपलब्ध करवाने में जानबूझ के कोताही बरतता है, इसमें 2 मैटर हैं। अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है या जानबूझ के अधूरी देने लग रहा है तो हम इसके बाद हम फर्स्ट अपील में जाएंगे, जो उस विभाग का उस अधिकारी से उच्च लेवल का अधिकारी होगा, हम उस पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19(1) जो 19(1) की धारा है उसमें हम प्रथम अपील लगाएंगे, वहां पे आपकी सुनवाई होगी, आप अपने जो भी बातें हैं वो रखेंगे, अपील अधिकारी आदेश करेगा। अगर वो अधिकारी आपको गलत सूचना देता है या सूचना छुपाता है तो उसमें 2 अलग-अलग कार्रवाई आप कर सकते हो उनके खिलाफ। एक तो उसमें ये है कि आप कमीशन में जा सकते हो उस शिकायत को लेकर, 18 में जो एक्ट की धारा है, आप कह सकते हो कि सूचना अधिकारी है, इसने ये सूचना थी और मेरे को जानबूझ के गलत दी है, जबकि सच्चाई में सूचना ये है, तो कमीशन उस पर संज्ञान लेगा और पे फाइन भी लगाएगा और उसके कार्रवाई के लिए सरकार को भी लिखेगा। दूसरा, आप अगर जानते हो इस एक्ट के बारे में, आपको पता है, नॉलेज है, आप कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ डायरेक्ट FIR भी करा सकते हो 166A IPC के तहत, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी है उसका दैविक कर्तव्य बनता है कि जो भी उसकी जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करे। सर, प्रथम अपील का जवाब कितने दिन में सरकार को या अधिकारी को देना जरूरी है, और प्रथम अपील का जवाब ना मिलने पर फिर वो आगे कहाँ पे जाए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। जब कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट अपील लगाता है तो फर्स्ट अपील अधिकारी का जो दायित्व है
उसका कम से कम 30 दिन में निपटारा करना होता है। और अगर कोई ऐसा विषय हो जिसमें वो अधिकारी जांच का विषय हो जैसे, तो उसमें 15 दिनों एक्स्ट्रा ले सकता है, यानी कि मैक्सिमम 45 दिन और कम से कम 30 दिन में उसको निपटारा करना ही होता है। अगर वो अधिकारी उस टाइम बाउंड जितना दिया गया है उसमें वो निपटारा ना करे, तो उसके खिलाफ भी ऐसे CIC के काफ़ी डिसीजन है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी पे भी जुर्माने का प्रावधान है। जी, जैसे राज्य सूचना आयुक्त या फिर केंद्रीय सूचना आयुक्त से भी अगर जानकारी सही ना मिले या फिर RTI आवेदक अगर संतुष्ट ना हो, तो क्या इसके बाद हाई कोर्ट में या किसी न्यायालय में जाने की भी सुविधा उपलब्ध है इस एक्ट में? जी देखिए, अभी मैंने आपको जैसे 19(1) फर्स्ट अपील में बताया, उसके बाद आप सेकंड अपील में भी जा सकते हो। आपके पास अभी एक विकल्प और है, अगर अधिकारी नहीं देता, आपने फर्स्ट अपील लगा दी, फर्स्ट अपील में भी अगर अधिकारी वो सूचना नहीं देता या फर्स्ट अपील अधिकारी जानबूझ के उस SPIO के साथ मिला हुआ है, जानबूझ के सूचना नहीं देता, तो आप उनके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील दायर कर सकते हो। राज्य सूचना आयोग आपको सूचना तो दिलवाएगा ही, उसके साथ साथ अगर वो सूचना देने में देरी करते हैं, ये हम सिद्ध करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, आयोग को ये दिखा देते हैं कि इन्होंने जानबूझ के सूचना नहीं दी, तो आयोग उन पर 25,000 रुपये, 250 रुपये पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपये लगाने का प्रावधान है, वो उसे पलंटी लगाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सरकार को भी लिखेगा। अगर वहां से भी हम संतुष्ट नहीं है, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि सूचना आयोग भी हमें सूचना नहीं दिलवाता और वो भी उसे फाइन नहीं लगाता, फिर हमारे लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सर, समय समय पर ऐसी खबरें आती रही हैं कि RTI एक्ट का गलत इस्तेमाल भी होता रहा है, जिससे अधिकारियों का शोषण होता रहा है या उन पर दबाव बनाने के लिए भी इस एक्ट का इस्तेमाल होता है, इस पे आप कहां तक सहमत हैं? और इसके लिए कोई RTI आवेदक के खिलाफ भी कोई दंड का प्रावधान है इस RTI एक्ट में? देखिए, जहाँ तक बात है, RTI जो कार्यकर्ता है वो ऐसे सुनते हैं समाज में, बिल्कुल सभी जो हमारी हाथ की उंगलियां जैसे एक बराबर नहीं, वैसे ही सभी पब्लिक है, जो सभी कहीं इसका गलत उपयोग भी करते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। परंतु अगर कोई भी इसका गलत उपयोग करता है या कोई फिरौती मांगता है, कोई अंडर प्रेशर कोई योग करवाता है, तो उसके खिलाफ भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है। कानूनी प्रक्रिया जो आम नागरिक पर लागू होती है, वही कोई RTI कार्यकर्ता का ये कोई डेजिग्नेशन या कोई पोस्ट नहीं है कोई कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई हो सकती है जितनी आम नागरिक पर होगी। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो सरकार के तहत कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनकी अपनी अधिकारियों से ही कई शिकायतें होती हैं, उन्हें डिपार्टमेंट के या विभाग के कई ऐसी प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस का पता होता है जिन्हें वो उजागर करना चाहते हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग में RTI के तहत सूचना मांग सकता है क्या? जी बिल्कुल, सरकारी जो भी कर्मचारी है वो RTI एक्ट के तहत, क्योंकि फंडामेंटल राइट सभी के हैं, ये एक RTI एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि सरकारी अधिकारी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कोई भी एरियर से संबंधित, कोई भी विभाग से संबंधित, कोई अपने बेनिफिट को लेने के लिए संबंधित उनके उच्च अधिकारियों से RTI के तहत उसकी जानकारी ले सकता है, और ये उसका फंडामेंटल राइट भी है, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी उसको ये ताकत देता है कि वो अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से भी इस एक्ट के तहत ये जानकारी हासिल कर सकता है, जिसका उसको लाभ मिलना चाहिए। सर, आमतौर पर देखा गया कि आम जनता की मुख्यतः शिकायतें अपनी लोकल मुद्दों से रिलेटेड होती है, जैसे सड़क ना बनना या पानी ना आना या और जो लोकल समस्याएं होती हैं, तो आप क्या मानते हैं कि उसकी संबंधित विभाग में शिकायत करना ज़्यादा असरदार तरीका है या RTI फाइल करना ज़्यादा असरदार तरीका है? जी ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आम हम देखते हैं समाज में कि किसी नाले की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, कहीं गली की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल है, हम घर से बाहर निकलते ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें RTI लगाना ज़्यादा बेहतर है या शिकायत करना? मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले उस, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर हम गली का ही निर्माण लेते हैं, मेरे घर के जो सामने गली बनाई है सरपंच ने या MC ने या किसी और विभाग ने, वो डैमेज है बुरी तरह से, तो उसकी शिकायत करने से पहले मेरे हिसाब से उसकी RTI मांग लेनी चाहिए कि इस गली पे कितना खर्चा आया, किस ठेकेदार द्वारा बनाई गई, क्या नियम शर्तें थे, उसके बिलों की सत्यापित प्रतियाँ लेके बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी दस्तावेजों के साथ उसकी शिकायत फिर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उसके। अगर हम सीधी शिकायत करेंगे तो वो गोलमोल तरीके से वो कर देंगे। जब आपकी RTI उस डिपार्टमेंट में उस गली को लेकर फाइल होगी, तो जो अधिकारी हैं वो आपका काम विद इन वीक ही कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब उसने RTI से मांगा है तो वो उस जरूर इसकी शिकायत करेगा। इसीलिए मेरा मानना ये है कि RTI लेके फिर शिकायत करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, एक और सवाल मन में जनता के आता है कि क्या केवल सरकारी संस्थाएं ही RTI एक्ट के तहत आती हैं, या सरकार से जो अनुदान प्राप्त, आंशिक अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं या पूर्णतः प्राइवेट संस्थान है, जैसे प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या वो भी RTI
एक्ट के दायरे में आते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि नॉर्मल कहीं कहते हैं कि स्कूल कॉलेज नहीं आते, ये नहीं आते, यानी इसमें बिल्कुल ये प्रोविज़न है आरटीआई एक्ट में कि जो भी संस्था या कोई भी स्कूल कॉलेज जिससे स्कूल की सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान या कोई भी सरकार की तरफ से मैनुअल या कोई और तरीके से कोई भी मतलब कि हस्तक्षेप हो, जैसे स्कूल हैं प्राइवेट, उनकी मान्यता प्राइवेट स्कूल को ही ले लेते हैं, उनकी मान्यता डीओ के पास है, तो डीओ के कार्यालय में उनका रिकॉर्ड है, तो हम स्कूल से ले सकते हैं बिल्कुल 134 ए का जो भी रिकॉर्ड है हम ले सकते हैं, और भी जो भी जानकारी है हम बिल्कुल ले सकते हैं, बेशर्ते कि उसका सरकार के साथ कोई ना कोई हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, उस फर्म का, उस ट्रस्ट का कोई भी हो। जी, तो ये थे हमारे साथ जयपाल रसूलपुर जी, जिन्होंने हमें आरटीआई एक्ट और उसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सहयोगी कुलदीप तंवर के साथ मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी से।